गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर डाई शेयर कर रही हूँ, जिससे हमारे ग्रे हेयर बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन। देखिए, लोहे का बर्तन हमेशा कोशिश करके लें ताकि एक डार्क मतलब गहरा कलर मिले, इस बात का ध्यान रखें। इसे सबसे जो हमारे घर में छोटी गैस होती है उसकी बिल्कुल धीमी आंच पर हम कढ़ाई को रखेंगे और उसमें पहली चीज़ डालेंगे आंवला, जिसे हम इंडियन गूजबेरी भी कहते हैं। अगर लंबी उम्र तक बाल काले घने मजबूत चाहिए तो आंवला आप जितना इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही बालों को फ़ायदा मिलेगा। इसे हम सेवन भी कर सकते हैं। आंवला न ही सिर्फ खाने से हमारे बालों को फ़ायदा मिलता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए गजब का काम करता है। आंवला के अनगिनत फ़ायदे हैं और अभी तो ग्रीन आंवला का सीज़न भी चल रहा है। मैंने क्या किया, आंवला पाउडर को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच, 4 चम्मच लगभग मैंने डाला है आंवला पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे लगभग कॉफ़ी पाउडर। देखिए, कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद आप तुरंत गैस को बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कॉफ़ी गर्म होने से गांठ कभी कभी बनती है, हमेशा नहीं पर हो सकता है, तो इसीलिए तुरंत गैस बंद कर दें और इसे चम्मच से हिलाते रहें ताकि कोई भी गांठ ना बने। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें, जब तक हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म है तब तक हल्की सी कॉफ़ी रोस्ट भी हो जाएगी। रोस्ट करने का कारण सिर्फ यही है कि हल्का सा गहरा कलर हो जाए। अब मैंने दोनों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को। हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे, हमें इन्हें आगे यूज़ करना है। अब फिर से वही मैंने लोहे का बर्तन रखा है और इसमें हम जो डालेंगे वो डालेंगे चाय की पत्ती लगभग 2 चम्मच। चाय की पत्ती, जो भी आपके घर में चाय हो, जो हम चाय पीते हैं ये वही चाय की पत्ती है, ठीक है? चाय की पत्ती लोग सदियों से अपने बालों के लिए यूज़ करते आए हैं, न ही सिर्फ एक डाई का काम करती है बल्कि बालों में थिकनेस भी दी है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। अब इसमें डालेंगे 7 से 8 लौंग। देखिए, अब थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो हम जो चीज़ें डाल रहे हैं वो गर्म तासीर की भी हैं, जैसे लौंग गर्म होता है, चाय पत्ती भी गर्म होती है, कॉफ़ी भी, तो ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे ग्रे हेयर से भी हमें आज़ादी मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल हल्की आंच पर इस तरह से रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से धुआं निकले, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल कम आंच रखें, आंच को आपको बड़ा नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर आप प्लीज़ पीने का पानी का यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हार्ड वाटर से बाल ड्राई भी होते हैं, टूटते भी हैं, ठीक है? तो रेमेडीज़ में आप हमेशा पीने के पानी का यूज़ करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी जो कि हमारे बालों की लगभग हर समस्या का समाधान करती है, सफ़ेद बालों से लेके गंजेपन का इलाज, हर चीज़ का इलाज कलौंजी करती है। अब मैंने वो चीज़ें बॉईल करने के लिए रखी तो मैंने थोड़ा सा पानी उसमें और डाल दिया है क्योंकि हमें उसे 8 से 10 मिनट बॉईल करना है। अब मैंने यहाँ पर ली है 10 से 15 हिबिस्कस की लीव्स, गुड़हल की पत्तियाँ। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, इनका मेन काम है बालों को ड्राइनेस से बचाना। बाकी भी इस ये हर तरह से बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे ग्रे हेयर हो, चाहे बालों में थिकनेस ना हो या फिर ड्राई बाल हो, हर चीज़ का इलाज गुड़हल के पत्तियों के पास है। लगभग 10 से 15 लेकर उसे धोकर और तो हल्का सा ग्राइंड करके डाल दें। अगर आप इसका बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, आपके आसपास है ही नहीं कहीं गुड़हल का पेड़, तो आप इसमें 1 चम्मच मेथी दाना मतलब फेनोग्रिक से डाल दें, ठीक है? फिर उसे आपको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा, तो आप फेनोग्रिक से थोड़ी सी मतलब जल्दी ही डाल दें। मैंने पत्तियां डाली हैं पर मैं फिर से यही कहूँगी, अगर हिबिस्कस की लीव्स होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब उसे मैंने 8 से 10 मिनट बॉईल किया था, उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ढककर। उसके बाद मैंने इसे छान लिया है इस तरह से, मैंने इसे छन्नी से छाना, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे छानें। अब मैंने फिर से वही लोहे का बर्तन लिया है, इसमें आपको डालनी है हीना मतलब बहंदी, बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से। देखिए, ठंड का मौसम है पर हमने इसमें जो चीज़ें डाली है वो गर्म करती है, ठीक है? तो हम इसमें डालेंगे हीना मतलब मेहंदी।
अब जो हमने आंवला और कॉफ़ी पाउडर को रोस्ट करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब मैंने जो 4 चम्मच आंवला पाउडर था, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसकी एक बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। देखिए जो इसकी पेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइए, एक बात का और ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा थिक होती है ना तो जड़ों में लगता भी नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा पतला होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छी तरह से मिक्स करें, एक स्मूथ पेस्ट बना लें और किसी पॉलीथीन से अच्छी तरह से ढककर 12 से 14 घंटा या फिर 24 घंटे, मैंने कहा है कि मैं 24 घंटे रखती हूँ। इस रेमेडी को आप 10 दिन में एक बार यूज़ करें, देखिए धीरे धीरे बाल ऑरेंज नहीं बल्कि ब्राउन होंगे। बहुत लोगों को हीना पसंद नहीं है, पर हीना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बालों में थिकनेस भी देती है। अब इसे मैंने 24 आवर्स के लिए रखा था। इसे अच्छी तरह से अपने बालों को साफ बालों में छोटे छोटे सेक्शन करके लगा लें, कम से कम 3 घंटे रखें, उससे ज़्यादा भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। शावर कैप ज़रूर पहनें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करें। रात को अच्छी तरह से ऑयलिंग करें या दूसरे दिन ऑयलिंग करें अच्छी तरह से, जिससे और थोड़ा सा डार्क हो जाए। उसके बाद दूसरे दिन बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।